वेलकम। अभी हमें औरंगाबाद जिला के हकपुरा रेडकर अस्पताल में और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये अस्पताल इस क्षेत्र के पब्लिक के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा प्रदान करता है। हमारे क्षेत्र में एक समस्या जो चली आ रही है वो है आई फ्लू को लेकर के। काफी लोग आई फ्लू से ग्रसित हैं और हॉस्पिटल से क्या आई फ्लू को रोगी को क्या यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है, तो आइए हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है और क्या लोग यहाँ पे आकर के अपना इलाज करा सकते हैं। तो सर अभी हम लोग के क्षेत्र में आई फ्लू बहुत तेजी के साथ चला हुआ है, तो ये आई फ्लू क्या है सर? आई फ्लू एक वायरल डिजीज है। ये आई फ्लू के बचाव के लिए क्या करना चाहिए? आई फ्लू के बचाव के लिए सिंपल है, हमारे यहाँ आप हॉस्पिटल में आइए। वैसे तो हमारे यहाँ कोई जो आँख रोग विशेषज्ञ होते हैं वैसे तो कोई नहीं है, पर हमारे यहाँ जो मेडिसिन है कॉमन मेडिसिन जो यूज होता है जैसे कि मॉक्सीफ्लोक्सासिन हुआ और सिप्रोफ्लोक्सासिन हुआ ये सब है, और हमारे डॉक्टर यहाँ पे अगर आप आते हैं तो हमारे डॉक्टर उस तरह का अगर जो ठीक होने योग्य रहता है तो वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं, और प्रिस्क्राइब करने के बाद जो हमारे यहाँ मेडिसिन है वो दे दिया जाएगा और आप उसको यूज करिए। और ऐसा है कि आई फ्लू एक सेल्फ कॉन्ट्रैक्टिंग डिजीज है, मतलब 7 दिनों के अंदर ये खुद से भी ठीक हो सकता है और इसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। 2-4 दिन थोड़ा सा शुरुआत के समय पे थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होता है, पर 4-5 दिनों के बाद डाउन होना शुरू हो जाता है, 7 दिनों के अंदर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो सर ऐसे आम आदमी इसके बचाव के लिए अपने से क्या करें जिससे वो सुरक्षित रह सकें? आम आदमी को चाहिए कि वैसे आदमी के कॉन्टैक्ट में ना आए जिनको कि हो रखा है इस तरह का बीमारी, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट से ही होता है, और जिनको हो गया है वो खास करके कोशिश करें कि उस तरह का चश्मा यूज करें जिसमें कि ट्रांसपेरेंट ना हो, और अपना यूज किया हुआ कोई भी सामान जैसे हैंकी हुआ ये सब किसी दूसरे को यूज करने ना दें। अगर दूसरे को देंगे तो ये वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होगा। इसकी विशेष जानकारी के लिए हमने आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी से संपर्क किया और उनसे विस्तृत जानकारी हासिल की। सर आपका शुभ नाम? डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। सर किस चीज़ के सर डॉक्टर हैं? आई स्पेशलिस्ट। तो सर अभी आई फ्लू हमारे क्षेत्र में चला हुआ है, तो सर आई फ्लू क्या है? सर आई फ्लू एक जस्ट लाइक वायरल इन्फेक्शन होता है जो एक दूसरे को टच करने से फैलता है, और उसमें है कि आँख में काफ़ी मात्रा में डिस्चार्ज होता है, कीची जिसको बोलते हैं आता है, आई डीप रेड हो जाता है और पेशेंट को भरने का शिकायत होता है, ग्रेटिंग सेंसेशन होता है, इचिंग होता है। बहुत सा पेशेंट जो है उसको एस्टेरॉइड मेडिसिन यूज कर लेते हैं जो उसका साइड इफेक्ट होता है, उससे अल्सर बन जाता है साइड इफेक्ट की वजह से। तो आई फ्लू में यानी आई फ्लू को हम लोग को भाषा में कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, तो उसमें जो है प्लेन एंटीबायोटिक आई ड्रॉप यूज़ करना चाहिए, कोई भी एस्टेरॉइड डेक्सामेथासोन या बेटामेथासोन मिक्स ड्रॉप यूज नहीं करना चाहिए। उसका ड्यूरेशन जो है 5 से 7 दिन तक रहता है, 5 से 7 दिन में वो ख़त्म हो जाता है। तो सर इसमें किस तरह के मेडिसिन को डालना चाहिए? एंटीबायोटिक प्लेन एंटीबायोटिक आई ड्रॉप जैसे सिप्लोक्स आई ड्रॉप हो गया, ओफल आई ड्रॉप हो गया, डेटिफ्लोक्सासिन हो गया, कोई भी सिंपल आई ड्रॉप डालना चाहिए जो एंटीबायोटिक हो विदाउट एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड उसमें नहीं होना चाहिए। प्रिकॉशन में क्या लेना है, जब आई फ्लू हो तो वैसे व्यक्ति का टच किया हुआ टॉवेल सॉप कोई भी चीज़ दूसरे पर्सन को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो टच करने से ही फैलता है, ना कि देखने से। ये एक र्यूमर है कि एक दूसरे को देख लेने से फैलता है, नथिंग, ये टच करने से फैलता है। वो कोई ऑब्जेक्ट को टच किया उसका हम यूज कर लिया तब ये फैलता है। आप लोगों ने देखा कि आई फ्लू के लिए यहाँ पे बेहतर सुविधा उपलब्ध है और यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं वो यहाँ पे पेशेंट का इलाज करते हैं, आई ड्रॉप और दवाएं यहाँ पर प्रदान की जाती है। तो हम वीडियो देखने वाले अभी सभी भाई बंधु से कहते हैं कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में कभी भी आँख से संबंधित आपको किस तरह की परेशानी हो रही है तो आप इधर उधर नहीं जाएं, सीधा आप अस्पताल में आ सकते हैं और आकर के अपना इलाज कराएं, आपको बेहतर सुविधा यहाँ पे मिलेगी।
जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एस एम जफर, जिला औरंगाबाद से, इंडिया वाला हट के लिए।